हेलो नमस्कार, मैं अनिल सक्रवार और हम फिजिक्स के सिलेबस में चल रहे थे जिसमें हमने किरण प्रकाश की चैप्टर को पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात आज जो कर रहे हैं वो है कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और पिछले सालों में किस प्रकार से आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। और जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 2020 से लेकर 2012 तक पीछे लगभग, बीच में एक दो पेपर ऐसे जो जिनमें सप्लीमेंट्री के पेपर भी हैं मेरे पास, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम दो बातें देखेंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस चैप्टर में से, कौन से साल में से, और कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और तीसरी बात इसके अंदर कि कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जब अगर आप इसको कंप्लीट देख लेंगे इतने सालों के पेपर्स को अच्छी तरह से, तो एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और कितने नंबर के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कौन सा पार्ट जो है इम्पोर्टेंट रहता है, और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2019 की, जैसे 2020 का पेपर भी हो चुका है लेकिन 2020 की बात हम करेंगे सबसे अंत में। तो हम 2019 से चल रहे हैं, 2019 फिर 2018 फिर 2017, इस तरह से बैक में चलेंगे और अंत में सबसे लास्ट में बात करेंगे 2020 की। इसमें मैं क्वेश्चन दोनों मीडियम में हैं, इनकी पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, उस पर डाल दूंगा वीडियो के साथ, डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा डालने की, डाल दूंगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी आप इसको पूरा एक बार पूरा समझ लें अच्छी तरह से कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। दोनों मीडियम में है ये, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, राजस्थान बोर्ड की हैं, ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर किरण प्रकाशी की है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 होता है ये, अपने जो राजस्थान बोर्ड चल रहा है इसमें ये चैप्टर नंबर 11 पे दे रखे हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम। सबसे पहले ईयर 2019 की बात करते हैं। 2019 में क्वेश्चन आए हैं 7 नंबर के, एक बात तो ध्यान रखें 7 नंबर के क्वेश्चन आए, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये है पेपर में क्वेश्चन नंबर, यानी 2019 के पेपर में अगर आप देखें तो आपको ढूंढना नहीं पड़े, इसलिए मैंने पहले ही ढूंढ के लिख दिया ये कि वो क्वेश्चन नंबर 7 था। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखना, अगर इस पेपर का क्वेश्चन देखना है तो आपको पेपर अगर आपके पास है उसमें देखना चाहें तो। एक नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा है, लेंस की क्षमता एवं उसकी फोकल दूरी में संबंध लिखिए, राइट रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। क्षमता, देखो एक नंबर के क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, हम ज़्यादा अभी तो पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे क्वेश्चन का लेवल किस तरह से रहता है। तो देखो हमें संबंध पूछा है लेंस की क्षमता पी और एफ में, तो हमें पता है पी बराबर 1/f होता है मीटर में, सेंटीमीटर में लिखे हैं तो 100/f होता है, तो बस इतना ही लिखना है इसके अंदर, जितनी बात पूछी है उतना ही लिखना है, उतना ही एक नंबर के हैं। दूसरा क्वेश्चन है परिभाषा लिखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें परिभाषा 2 पूछी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का विवर्तन डिफाइन करना है केवल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। फिर आते हैं नेक्स्ट, तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है पेपर का क्वेश्चन नंबर 30, ये ध्यान रखें भी आप, ये फिक्स है ये क्वेश्चन, फिक्स का मतलब ये नहीं है ये क्वेश्चन आएगा, फिक्स का मतलब क्वेश्चन नंबरिंग फिक्स है कि आपको पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो इसी चैप्टर से ही मिलेगा कन्फर्म, और ये मिलेगा 4 नंबर का। अब इसके जितने पार्ट होंगे उतने पार्ट में डिवाइडेशन इस प्रकार से दे दिया जाता है, इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है दर्पण समीकरण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए, तो क्या बताना है, एक्सप्रेशन फॉर मिरर इक्वेशन एंड ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम बनाना है और डेरिवेशन करना है। दूसरा इसका बै पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की गोलीय दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, अपने को 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रखी है और फोकल दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो ऊपर भी आ गया ये क्वेश्चन, इसी एक ही पेपर में 2 बार आ गया, यहाँ तो ये क्षमता में पूछा गया, ये अलग है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो फोकस दूरी आधी होती है, आधा कर दो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो है 2019 का पेपर जिसमें क्वेश्चन की मार्किंग है कितने नंबर के हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन है, ये यहाँ लिखे हुए ऊपर ही ऊपर 7 नंबर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितने आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए।
बिल्कुल सिंपल पार्ट पूछा जाता है, मुश्किल नहीं आते क्वेश्चन। अब दे लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, पेपर 2018, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आए हैं और ये केवल एक ही पेपर है जिसमें इतने कम मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, अदरवाइज कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 7-8 से कम नंबर के पेपर क्वेश्चन आए हों, 6 तो से कम तो कभी आए नहीं। इसमें है क्वेश्चन नंबर एक पूछा गया है, 2 पार्ट है इसके, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य, मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है, एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल दे दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, इफ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लेंस देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो फोकल लेंथ बतानी है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 25 था पेपर का, जो 3 नंबर में था। बात करते हैं नेक्स्ट 2017 की, आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ लिख भी सकते हैं तो आपको आइडिया रहेगा, ये कलेक्शन साथ में रहेगा तो पता रहेगा पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम देखेंगे जब हम पूरे पेपर कर लेंगे ये सारे, तब हम देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, खासकर बड़े क्वेश्चन। 2017 में 7 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लें हम 7 नंबर के क्या है। माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, एक नंबर का क्वेश्चन है पेपर का, क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस आर 192 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इन ए स्मॉल टेलीस्कोप, कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर एंड द सेपरेशन बिटवीन 2 लेंसेज, इसकी मैग्नीफाइंग पावर बतानी है अपने को, ठीक है। और इसके अलावा क्या दे रखे हैं कि फोकल लेंथ दे रखी है अब एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, हमें एफ ओ दे दिया, एफ ई दे दिया, तो एम पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। इसकी दूरी बतानी है, बीच की दूरी क्या होती है, नली की लंबाई होती है, दोनों को जोड़ दो, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये पेपर का क्वेश्चन नंबर 19 था, 2 नंबर का है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये पेपर का वही क्वेश्चन नंबर 30 है और 4 नंबर का है। तो इस तरह से कितने हो गए, 4, 2, 6 और 1, 7, 7 नंबर का क्वेश्चन है ये 2017 में। इसमें क्या लिखा गया है, डेराइव लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र बताना है, जिसमें क्या है, 1/f = n-1 × 1/r1 − 1/r2, ये हमें प्रूफ करके इसमें बताना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और अब आते हैं नेक्स्ट 2016 के पेपर पे, ये है 2016, इसमें आए हैं 8 नंबर के क्वेश्चन, 8 नंबर के। और उसमें क्या है, एक अवतल दर्पण की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। देखो ये पिछले 3 साल में 3 बार आ गया ये क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या, फोकस दूरी ज्ञात करो, तो क्या करना, आधा कर दो बस, पेपर है क्वेश्चन नंबर 8 है ये, 1 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन है, अपवर्ती दूरदर्शक की तुलना में परावर्ती दूरदर्शक क्यों श्रेष्ठ है, अभी पिछली क्लास में हमने किया था, 2 क्लास पहले 167 में किया था। 2 कारण लिखिए, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है तो इसके समांतर किरणों के लिए समंजित करते हैं तब नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच 18 सेंटीमीटर दूरी है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करें। तो ये पूछ लिया, इसके साथ में क्या दे दिया, एक न्यूमेरिकल दे दिया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आवर्धन क्षमता दे रखी है, एम पी दे रखा है, अभिदर्शक लेंस के बीच की नली की लंबाई दे रखी है, तो सॉल्व कर सकते हो, नली की लंबाई क्या होता है, एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस एफ ई, यहाँ सॉल्व करूँगा मैं, आप कर लें इसे, एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है, और एम पी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 8 है, एम पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई, तो 2 समीकरण आ गई, वही आप इसे प्रतिस्थापित करके एक समीकरण से दूसरे मान रख के और सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से ऐसा आएगा, एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू कितना, 18, और एफ ओ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू दे दिया कितना, 8। तो एफ ओ की जगह क्या रखोगे, एफ इधर आ गया, 8 एफ ई हो गया, इसकी जगह रख दो 8 एफ ई प्लस एफ ई, 9 एफ ई बराबर 18, एफ ई बराबर 18/9/2, ये मान इसमें रख दो, उसका मान भी आ जाएगा। फिर आता है, ये है पेपर का क्वेश्चन नंबर 26, जो 3 नंबर का है, तो 3 और 1, 4 हो गए। अब जो मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा गया इसको,
कितने नंबर का? 1+2+1 यानी 4 नंबर का। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट का वर्णन कीजिए, इसकी कुल आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डेराइव एन एक्सप्रेशन इट्स टोटल मैग्निफिकेशन, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कुल मिला के कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको इसके अंदर बतानी है। तो ये हो गया कौन से ईयर का, 2016 का पेपर, जिसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, 1, 2 और 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों को मिला के कितने नंबर के, ये 8 नंबर के। अब आते हैं नेक्स्ट पे 2015 पे। 2015 में जो क्वेश्चन आए हैं वो देखो 9 नंबर के आए हैं, यहाँ तक क्वेश्चन आए हैं 9 नंबर तक क्वेश्चन, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। कहीं पर भी देख लें 6, 7, 8, 9 इसी हिसाब से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अवतल दर्पण के लिए बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध लिखिए। एक नंबर में एक वही क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6, 7 के आसपास नंबरिंग पे रहता है क्वेश्चन ये एक नंबर में। तो अब क्या बताना है अवतल दर्पण के लिए, इसका मतलब दर्पण समीकरण बताना है, 1/f = 1/u + 1/v। दूसरी बात लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है इसके दो भाग हैं। पहला भाग है निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण में प्रयुक्त लेंस का नाम लिखो। देखो नाम ही लिखना है, राइट द नेम ऑफ द लेंस यूज्ड टू करेक्ट नियर साइडनेस मायोपिया। ठीक है, मायोपिया को ठीक करने में कौन से लेंस का यूज किया जाता है, तो इसमें कौन सा अवतल लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस वो आप इसमें केवल नाम लिखना है। दूसरा क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखो हर साल ही आया हुआ ये क्वेश्चन, और कुछ क्या बताना है अपने को, फोकस दूरी दे रखी है, त्रिज्या दुगुनी होती है, 10 × 2 = 20 कर दो, और कितने नंबर का ये, एक नंबर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 6 और 7 दोनों लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं 2015 में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है जो कितने नंबर का है, 3 नंबर का, 3 भाग है इसके अंदर। और क्या करना है, डिफाइन करना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये दो भाग पहले भी आ चुके हैं इससे पहले वाले साल में, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। फिर आता है नेक्स्ट इसी साल में क्वेश्चन नंबर 4, वो है प्रकाश किरणों के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए, दो माध्यम को पृथक करने वाले किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण चित्र बनाइए, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, माध्यम के अपवर्तनांक n1 n2 तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध ये व्युत्पन्न कीजिए। दे दिया कि आपको ये सिद्ध करना है, ये इतनी बातें लिखी हैं तो आपको क्या करना है, जो लिखा है वैसे भी हमें वो सब करना होता है तभी हम सिद्ध कर पाते हैं कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए चित्र बनाएंगे तभी हम सोल्व करेंगे। लेकिन ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि इनको मार्क्स में डिवाइड किया गया है, एक नंबर का ये होगा जिसके अंदर एक नंबर को परिभाषित करना होगा, फिर डेरिवेशन होगा दो नंबर का, इस तरह से इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांट के 4 नंबर का कर दिया गया है इसको। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आगे आने वाले पेपर्स हम भी देख रहे हैं उनके अंदर देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो बड़े क्वेश्चन वही है 3-4 क्वेश्चन, अगर आप उनको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इस चैप्टर से पूरे में से पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। और थोड़ा सा फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लें, उसमें भी कुछ अलग नहीं, सिंपल बातें हैं, जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, और ये जो लेंस की क्षमता है पी उस पर क्वेश्चन, इस तरह 2-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं, परिभाषाएं 5-7 परिभाषाएं हैं, उनको अच्छी तरह से कर ले, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ये सारी चीज़ें इनमें से पूछ ली जाती हैं। इसको मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ, लिखा हुआ है इन क्वेश्चंस को आप शॉर्ट में लिख लें, जैसे ये लिखा हुआ है अभी 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, तो आप वो इतना बोल रहा हूँ इतना स्पीड में तो आपको लिखने में दिक्कत आ रही होगी, तो आप सीधा लिख लें, सिद्ध करें ये, जब आप ये लिख लेंगे तो पता ही ये क्या करना है, इसके अंदर पूरा ही सोल्व करना है, क्लियर। पूर्णांतरिक परावर्तन लिखा है आपके पास, पूर्णांतरिक TIR लिख लो, ठीक है, इसमें विवर्तन लिख लो, प्रकाश का ही होता है, अपवर्तन लिख लो, ये सब चीज़ें शॉर्ट में आप उसको लिख सकते हो, यानी हमारे पास ऐसा कलेक्शन हो जाए जिससे हमें पता रहे इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इनको आप कर लेते हो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपको पता चल जाएगा, आप आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर देख लें, ये 2015 में 9 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, एक नंबर
क्वेश्चन नंबर 6, दो नंबर क्वेश्चन नंबर 7, दो तीन नंबर का ये, दो तीन पाँच और चार नंबर का ये, जिसका इंग्लिश वर्जन ये रहा, ये भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स, रिफ्रैक्शन अपवर्तन को परिभाषित करना है। ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। फॉर रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस डेराइव द रिलेशन एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन वी यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इमेज वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया एन वन एन टू एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ये सब दे रखा है और ये हमें पता भी होना चाहिए इनका मतलब क्या है, नहीं दिया जाए तो भी अंडरस्टूड होगा। डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि ये सिद्ध करो इतना बस, तो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसका 1+1+2 हो गया, ये चार नंबर इस तरह से, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह से आपको लिखना भी है। अब बात कर लें, पेपर है 2014 पे पहुंच गए अपने, इसमें देखो 10 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, देखो बहुत मार्क्स, और 10 नंबर में तो पास हो जाता है साइंस के अंदर देखा जाए तो। मार्क्स कितने नंबर गए, 10 नंबर गए इसके अंदर, तो मिनिमम कितने आए हैं, वो एक साल ऐसा हुआ है कि 3 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, अदरवाइज इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन से कम कभी नहीं आते हैं। अब इसमें देख लें अपने क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ये वही क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये तो मान के चलो क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में बूंद के अंदर कितनी बार पूर्णांतरी प्रावर्त होता है, तो प्राथमिक में एक बार होता है, द्वितीयक में दो बार होता है, बस इनके नाम के आधार पर ध्यान रख सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओकर्स इन द ड्रॉप फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबोज। सेकेंड क्वेश्चन सूक्ष्मदर्शी की, तो अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वह सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसका सूत्र लिखिए, यह किस प्रकार प्रभावित होती है, जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य घटती है दर्शक लेंस का द्वारक घटता है, तो दोनों पे डिपेंड करता है इसका मान। और ये हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं, हमने विभेदन क्षमता के बारे में, विभेदन सीमा के बारे में पढ़ा था वहाँ, अभी दो क्लास पहले ही हमने, दो तीन क्लास पहले ही बात की थी, तो वो आप देख लें। तो इसके देखो दो भाग दे दिए और भी, और इसमें ये भी पूछ लिया पहले इसको परिभाषित भी करना है, फिर दूसरा ये किस प्रकार से प्रभावित होती है ये भी पूछ लिया, तो कितने भाग हो गए, चार भाग हो गए इसके, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 टोटल हो गए दो नंबर हो गए, सॉरी गलत नौ नंबर ऐसे लिख दिया, दो नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है जो दो नंबर का है। डिफाइन रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, राइट इट्स फॉर्मूला। हाउ विल इट वेरी देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डिक्रीज्ड एंड अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज डिक्रीज। ये दोनों बातें इसके अंदर दे रखे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी दो क्वेश्चन हुए इसके, तीसरा क्वेश्चन इसी पेपर का कर रहे हैं हम, 14 का ही। 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व आकार ज्ञात करें एवं प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस एंड द साइज ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज। ये पेपर का क्वेश्चन नंबर 27 है, तीन नंबर का। तीन बातें इसमें पूछी गई है, स्थित है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वी का मान निकालना है, आकार ज्ञात करना है, साइज बताना है उसका कितना है प्रतिबिंब का साइज एच डैश बताना है, और प्रकृति बतानी है कि वो आभासी है या वास्तविक है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले, आप इसको पीछे ही क्लासेस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, अपवर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए, इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। परावर्ती दूरदर्शी की तुलना में अपवर्ती दूरदर्शी की दो मुख्य कमियां लिखिए। ये भी हमने पिछली क्लास में किया था, दो क्लास पहले ही, शायद 166 पे होगी ये क्लास, उसमें देख लें आप, इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अपवर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण चित्र वगैरह सब हम कर चुके हैं, और ये आया है चार नंबर में। एक नंबर में नामांकित किरण चित्र पहली चीज़ है, वो पहले नंबर है उसका, ठीक है। फिर आवर्धन क्षमता का व्यंजक दो नंबर का इसका कैलकुलेशन है। फिर ये जो बताने दो मुख्य कमियाँ, तो एक कमी का एक आधा नंबर है, दूसरी कमी का आधा नंबर, टोटल हो गए चार नंबर। अभी इस तरह से देख ले चार नंबर का, ये क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 30, 4 3 7 और पीछे आ जाते हैं वापस, 7 और 2 9
और एक 10। इस तरह से टोटल 2014 में कितने नंबर का पेपर आया? 10 नंबर का पेपर आया, 10 नंबर का पेपर। इसलिए ये मार्किंग की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इसके आप क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको जितने नंबर का पेपर आएगा पूरा का पूरा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं 2013 पे पहुँचते हैं। अब 2013 का ये सप्लीमेंट्री का पेपर है, भी ध्यान रखना, कहीं मेन पेपर में आप क्वेश्चन ढूंढे तो आपको नहीं मिलेगा, ये सप्लीमेंट्री का पेपर है। इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है, उसको पढ़ने के लिए चश्मे के लेंस की क्षमता क्या होनी चाहिए? ठीक है, आपको ये दे दी। क्वेश्चन नंबर 20 है ये पेपर का, और 2 नंबर में आया, नियर पॉइंट ऑफ मैन इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ द स्पेक्टेकल्स ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए उसकी क्षमता, लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए, ये आपको उसको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है अगले पे, क्वेश्चन आप करके देख लें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें लिख दें। हम लगभग सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ये आप इसे क्लासेस देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अब देखो यही 2013 सप्लीमेंट्री के पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, जो पेपर का 29 नंबर क्वेश्चन है और 4 नंबर में आया है, 1+2+1। और देखो वही क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें अपने, अपने को क्या बताना है, किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए व्यंजक सिद्ध करना है, बस कुल मिला के बात ही है। N2/V-N1/U = N2-N1/R, ये पहले भी आ चुका है, इसलिए आप नोट कर लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि देखो क्वेश्चन का लेवल क्या है, और उसी के वे में अगर तैयारी उसी वे के अकॉर्डिंग अगर रहती है तो ये मार्क्स अच्छे आते हैं और हम ज़्यादा बेटर कर परफॉर्म कर पाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए पेपर का पैटर्न पता होना ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं 2013, वो सप्लीमेंट्री का था, ये है नॉर्मल जो एनुअल पेपर होता है, मेन पेपर वो है 2013। इसमें अभी देख लेते हैं, काउंट नहीं किया मैंने कितने नंबर के आए हैं। अबिंदुकता दोष को संशोधित करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट एस्टमेटिज्म? अबिंदुकता दोष के लिए क्या होता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है, बस बेलनाकार लिखना, एक नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 है पेपर का। फिर आते हैं नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना को परिभाषित कीजिए, बस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को परिभाषित करना है, डिफाइन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी कितने नंबर का? एक नंबर का क्वेश्चन नंबर पेपर का 9। फिर मिलान करो, देखो ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं पेपर के अंदर, होता बहुत सिंपल है लेकिन थोड़े से आपको फॉर्मूलेज के बारे में पता हो तो कभी दो नंबर के, तीन नंबर के भी आए हुए हैं ऐसा क्वेश्चन, तीन नंबर के भी पूछ ले जाते हैं। जैसे इसके अंदर तो 4 बातें दे रखी है, एक बार ऐसा है जिसमें 6 दे रखी थी, तो वो 6 गुना आधा हो गया ना, 3 हो गया, 3 नंबर का। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या करना है? मिलान करना है। अब बताना है म्यू इज इक्वल टू 10 IP, किसके लिए होता है ये विस्टर लॉ होता है। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin C, ये क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आता है। म्यू इज इक्वल टू sin I/sin R, स्नेल का नियम है ये, इसको इसके साथ मिला दो। म्यू इज इक्वल टू sin A+DM/2/sin A/2, ये प्रिज्म फॉर्मूला है, इसको इसके साथ मिला दो, बस इस मिलाने के ही नंबर है, या इसके सामने इसका उत्तर लिख दो, इसके सामने इसका जो उत्तर है वो लिख दो, इसके सामने इसका उत्तर लिख दो, चाहे मिला दो कैसे भी कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें ये 3 क्वेश्चन आए हैं तो तीनों क्वेश्चन को देख लें आप, कितने के हो गए? 2, 3 और 1 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए 2013 में। ये 2013 का पेपर ही चल रहा है, सॉरी 7 नंबर पेज है ये, हाँ ठीक है 8 नंबर, ये 2013 का पेपर ही चल रहा है, तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, अभी और आगे चलते हैं भी हम, तो इसमें बहुत आए हुए हैं इसमें तो। चौथा क्वेश्चन क्या? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना कर किरण चित्र बनाइए, अवतल दर्पण के लिए चित्र बनाना, बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध बताना, यानी दर्पण समीकरण हमें सिद्ध करके बतानी है, जो कितने नंबर की है? आधे नंबर का डायग्राम है और 2.5 नंबर का डेरिवेशन है, टोटल हो गए 3 नंबर। ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर अ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर एंड एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंथ u, ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ f, इनके बीच में संबंध बताना है, 1/f = 1/u + 1/v। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ये, 3 तो पहले हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन आए हुए, देखो इसके अंदर कितना बड़ी मार्किंग है, अभी टोटल करते हैं इसका कितना बनता है। अवतल दर्पण के लिए किरण चित्र बनाकर सिद्ध कीजिए,
कि फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण ज्ञात कीजिए। जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 30 है, ये 3 नहीं है, 30 है ये क्वेश्चन नंबर 30 पेपर का। और कितने नंबर में है ये, 4 नंबर में। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्केव मिरर एंड प्रूव दैट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज अ हाफ ऑफ दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। राइट मिरर इक्वेशन कॉन्केव मिरर ऑफ कॉन्केव मिरर। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम व्हाट इफेक्ट ऑकर्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट। आपको क्या बताना है, यहाँ डेरिवेशन किसका है, आर और एफ में के बीच में संबंध। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे पहला टॉपिक यही आता है, ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकाली। तो एफ इजिकल टू आता है आर बाई टू, उसको हमें प्रूफ करना है। फिर देखो ये नहीं है कि यहाँ और यहाँ सेम क्वेश्चन आ गया है कि पेपर में दो बार, यहाँ तो सिद्ध करना है 3 नंबर में पूरा दर्पण समीकरण, यहाँ केवल लिखनी है दर्पण समीकरण आधे नंबर में ये लिखा ना, राइट द मिरर इक्वेशन फॉर कॉनकेव मिरर, तो लिखना ही है केवल। हाँ यूज दोनों जगह हो रहा है, वो वहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ सिद्ध नहीं करना है, यहाँ केवल लिखना है। ठीक है, फिर ये बताना है कि रेयर से डेंसर में जाती है तो वेवलेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से देखो कितना का हो गया, 4 और 3 7, वापस पीछे आते हैं 2 9 10 और 1 11। तो इसमें से पेपर आया है कितने नंबर का, 11 नंबर का पेपर आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अब आते हैं लास्ट पेपर करते हैं हम 2020 का, 2020 का और देख लेते हैं। 2020 में 8 नंबर का पेपर आया है। माध्यम के प्राविद्युतांक की परिभाषा लिखिए, पहले भी आई हुई है, फिर आगे 1 नंबर में। प्रकाश का प्रकीर्णन से क्या परिभाषित करो, ठीक है, क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, 1 नंबर में आया हुई पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। फिर नेक्स्ट आता है, अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा यदि इसको जल में डुबो दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए अपवर्तनांक दे रखा, सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 और ग्लास के सापेक्ष दे रखा 3/2। तो ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, चौथा क्वेश्चन हो रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का और आया हुआ है। तो ये 8 नंबर के हो गए, 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये 4 और 4 नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। प्रावर्तक दूरदर्शी की बनावट एवं कार्यविधि लिखी, आवश्यक चित्र बनाइए। तो जरा दृष्टि दोष को परिभाषित करना है, प्रावर्तक दूरदर्शी हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, बनावट और कार्यविधि उसकी बतानी है, डायग्राम बताना है और कैसे वर्किंग होती है वो बतानी है। व्हाट इज द प्रेस बायोपिया, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ड्रॉ द नेसेसरी रे डायग्राम। इस तरह से 8 नंबर का पेपर। अब आते हैं 2020 का सप्लीमेंट्री और देख लेते हैं, सप्लीमेंट्री में कैसा आया हुआ है। वैसे आपको नौबत नहीं आई सप्लीमेंट्री की, मैंने एग्जाम में अच्छे आ गए, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ के 2020 का यही सप्लीमेंट्री पेपर, किसी पदार्थ के क्रांतिकोण एवं अपवर्तनांक में संबंध लिखो। ठीक है, क्रांतिकोण ये किससे संबंधित है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से संबंधित है। राइट द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी सबस्टांस। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वही 6 या 7 में से एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक अभिसारी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, यदि लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये हम कर चुके हैं, लेंस के R1 R2 वक्रता त्रिज्याएं हो तो अपवर्तनांक और फोकस दूरी के में रिलेशन हमने निकाल लिया था, उससे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बोथ सर्फेसिज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल। क्वेश्चन ये हमने कर रखा है, जब हमने ये अपवर्तक सतह से अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त किया था उसके साथ किया था ये क्वेश्चन, तो आप इसी क्लासेज में देख लें इनको। दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, अगला ये क्वेश्चन नंबर 18 2 नंबर का, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की बनावट का वर्णन कीजिए, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए, आवश्यक किरण चित्र बनाइए। व्हाट इज द हाइपरमेट्रोपिया, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रेक्टिव टेलीस्कोप, ऑब्टेन ए फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, ड्रॉ द नेसेसरी रे डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 30 और वही 1+1+1 4 नंबर का। दिग्ध दृष्टि दोष जब भी मैंने बताया था, मैंने क्लास में भी ये बात करी थी उस समय जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रावर्तिक दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी,
तो उसके अंदर जब हमने दूरदर्शी पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि ये जब भी दूरदर्शी क्वेश्चन आता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर दे दिया जाता है, और छोटे छोटे टुकड़े करके बहुत आसान कर दिया जाता है। तो इसके साथ दीर्घ दृष्टि दोष दे दिया। क्या दूरदृष्टि दोष क्या है? खगोलीय दूरदर्शी की बनावट बतानी है, ठीक है, आवर्तन क्षमता का सूत्र बताना है उसके लिए, और किरण चित्र बनाना है। तो ये सारे एक एक नंबर के हैं। तो इस तरह से ये पेपर जो है वो कंप्लीट हो गए सारे। अब आप इनको पूरे चैप्टर को अगर आप रिवाइज़ कर लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद इनको एक बार करके देख लेते हैं, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा क्वेश्चन किस लेवल के हैं और किस तरह क्वेश्चन आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें से लगभग 7-8-9 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसके अगला जो चैप्टर है वो इसके साथ में दोनों मिला के आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 हम लिख रहे हैं बार बार में, क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है, इसके अथवा में एक क्वेश्चन और आता है वो अगले चैप्टर से आता है। आप इसको अच्छी तरह से कर लोगे, उसको भी अच्छे कर लें, लेकिन अपने पास फिर दोनों ऑप्शन देते हैं कौन सा अटैम्प्ट करें, इसमें से फिर हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन उसमें नेक्स्ट चैप्टर में से भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा मार्किंग इसमें से होती है, इसीलिए पासिंग मार्किंग के तुलना में देखें या अच्छे अंक लेने के कंपैरिजन के लिए अगर देखें तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं, और इसमें नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं रहते, सारा कैलकुलेशन मैटर है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए जो डेरिवेशन पोर्शन है वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा, और इस चैप्टर की पूरी क्लासेस जितनी भी हैं शुरू से लेकर फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक टू लास्ट टॉपिक, दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी, और परावर्ती में कैसीग्रेनियन न्यूटोनियन और उन दोनों के उसके अलावा उनमें अंतर अपवर्ती और परावर्ती में, परावर्ती क्यों ज़्यादा अच्छी रहती है वो, ये सब चीज़ें, अपवर्ती दूरदर्शी कमियाँ, ये सब इसके अंदर हमने पूरा सिलेबस इस चैप्टर का कर लिया है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो पिछली लगभग कम से कम 20-25-30 क्लासें हो गई होंगी इस चैप्टर पे चलते अपने, तो आप उनको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में 170 में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी, तब तक आप इसको रिवाइज़ करें, पढ़ें।